भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के तीनों अंगों ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया है। भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि एवीएम आरजीके कपूर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं। सेना ने F-16 विमान से दागी मिसाइल के टुकड़े दिखाए। ये टुकड़े आराम मिसाइल के हैं, जो कि पाकिस्तान की ओर से F-16 विमान से दागी गई थी। वायुसेना के प्रतिनिधि कपूर ने कहा कि पाकिस्तान के बम सैन्य प्रतिष्ठान के परिसर में गिरे, लेकिन वो लक्ष्य को निशाना बनाने में विफल रहे। भारतीय नौसेना ने कहा कि वो समुद्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया गया है कि एयर टू एयर एमआम मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा में किया, जिसे सिर्फ F-16 विमान ले जा सकता है। इस मिसाइल के टुकड़े भी बतौर सबूत दिखाए गए और इससे पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है, जिसमें उसने कहा था कि उसने F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया। और इस तरह भारतीय सीमा में मिले इस एमआम मिसाइल के टुकड़ों से साफ होता है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। थल सेना के मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने कहा कि पाकिस्तान ने कई झूठ बोले हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के 2 एयरक्राफ्ट गिराए हैं और 2 पायलट कब्जे में लिए हैं, लेकिन देर शाम को अपना बयान बदल दिया। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों के जरिए हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि उसने किसी F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने एक F-16 मार गिराया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायु सेना इसलिए भी खुश है कि पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को वापस सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, हालांकि अगर पाकिस्तान उकसावे की कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने पाकिस्तान के झूठ को हमारी सेना ने कैसे एक्सपोज किया। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।